दोस्तों, आज के ट्रांसलेशन के लिए हमने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए एक इकतेबास चुना है और वो इकतेबास बहुत रेलेवेंट है। आबादी का मसला, बढ़ती हुई आबादी का मसला इस पर है। तो आज के हम वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एक और बात बता दें कि हमें बहुत से आपके ऐसे मशवरे मिल रहे हैं कि हम ट्रांसलेशन की जो ट्रिक्स हैं या जो उसूल हैं, जो तरकीबें हैं, उन पर भी एक वीडियो बनाएं। जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी जिसमें ट्रांसलेशन की जो कुछ ट्रिक्स हैं, खास तौर से इंग्लिश टू उर्दू या इंग्लिश टू हिंदी जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें क्या किस तरह के ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होते हैं पर्टिकुलर, हम उस पर बात उस वीडियो में करेंगे। और बाकी आपके जो मशवरे हैं उस पर मैं अमल करने की कोशिश कर रही हूँ, उसी तरह के वीडियोस बना रही हूँ कि जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमेशा की तरह मैं बात करती हूँ वोकैबुलरी या लफ्जियात के हिस्से पर, उस पर बात कर लेते हैं। साथ ही साथ तस्कीर व तानीस पर खास तौर से गौर करिएगा। वर्ड मीनिंग या वोकैबुलरी यहाँ पर वीडियो में पेश करने का एक मकसद ये भी है कि ना सिर्फ आप उस लफ्ज के माने और मतलब से वाकिफ हों, बल्कि तस्कीर व तानीस, जो बहुत छोटी सी बात है लेकिन तहरीरी जबान में बहुत बड़ी गलती के तौर पर सामने आती है अगर वो गलत होता है तो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमने लफ्ज लिया है वो है आबादी। आबादी फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, पॉपुलेशन इंग्लिश में। फिर है अफराद, फर्द की जमा है पीपल। एडजेक्टिव और मैस्कुलिन नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। तादाद फेमिनिन नाउन है जिसका मतलब नंबर और स्टैटिस्टिक्स दोनों होते हैं, जिसे हम एदाद और शुमार भी कहते हैं स्टैटिस्टिक को, और तादाद का मतलब आमतौर पर नंबर होता है लेकिन किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में स्टैटिस्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर है इजाफा। इजाफा है एडजेक्टिव, इंक्रीज, बढ़ना किसी चीज का। फिर है वसाइल, मैस्कुलिन नाउन है रिसोर्सेस के लिए। रफ्तार से का मत एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है इन प्रोपोर्शन टू, इस कॉन्टेक्स्ट में। नौयत, नौयत के कई मतलब होते हैं। एक तो होता है जिसे हम किस्म कहते हैं, काइंड है, टाइप है या नेचर है। हम देखेंगे कि हमारे इक्तिबास में इसको हम किस मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर है माशी, एडजेक्टिव है इकोनॉमिकल। माशरती सोशल, एडजेक्टिव है नफसियाती साइकोलॉजिकल, ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। कमतर, कमतर का मतलब लेस या शॉर्टर है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर है रिहायशी सहूलियात, ये है फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा अगर दोनों एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर सिर्फ सहूलियात है तो वो फेमिनिन नाउन है, अगर रिहायशी है तो वो एडजेक्टिव है। हाउसिंग फैसिलिटीज, नाकिस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है पुअर। खुराक फेमिनिन नाउन है जिसका मतलब है डाइट। फराहमी, फराहमी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में जिस पर हम बात करेंगे वहां पर होगा सप्लाई। इम्कानात फेमिनिन नाउन है, मैस्कुलिन नाउन है, माफ कीजिए, मुअन्नस है पॉसिबिलिटी। बेरोजगारी फेमिनिन नाउन है अनएम्प्लॉयमेंट। मेयार मैस्कुलिन नाउन है स्टैंडर्ड। अदम बर्दाश्त इनटॉलरेंस है और अदम बर्दाश्त फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जराइम मैस्कुलिन नाउन है क्राइम्स के लिए। जिंसी इम्तियाज मैस्कुलिन नाउन है। सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, तिब्बी एडजेक्टिव है मेडिकल, तालीमी एजुकेशनल। तो ये हमारी वोकैबुलरी थी या जो हमने अल्फाज चुने हैं इक्तिबास में से चंद, वो ये थे। तो अब हम आज का तर्जुमा शुरू करते हैं। तो जैसा मैं कहती हूँ कि अगर आप चाहें, आपको बड़े जुमले लग रहे हैं तो आप छोटे छोटे हिस्सों को तर्जुमा करके अपने जहन में और फिर उनका एक अच्छा सा सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं।
शुरुआत कुछ इस तरह है कि ज्यादा आबादी का मतलब सिर्फ अफराद की तादाद में इजाफा नहीं, बल्कि वसाइल के एतबार से अफराद का ज्यादा होना भी है। तो ज्यादा आबादी का मतलब सिर्फ अफराद की तादाद में इजाफा नहीं, पहले हम इतना देख लेते हैं। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन यानी ज्यादा आबादी, बढ़ती हुई आबादी, डज नॉट ओनली मीन का मतलब ये नहीं, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल का मतलब सिर्फ अफराद की तादाद में इजाफा नहीं, बट इज ऑल्सो द इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल अगेंस्ट रिसोर्सेज, यानी वसाइल के एतबार से अफराद का ज्यादा होना भी है। अब दूसरा हम जुमला देखते हैं, अगर वसाइल भी उसी रफ्तार से बढ़ें जिस तरह आबादी बढ़ रही है तो कोई मसला दरपेश नहीं होता। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस में, इम्परफेक्ट टेंस में बात हो रही है, यानी हैबिचुअल है। तो अगर वसाइल भी उसी रफ्तार से बढ़ें, इफ रिसोर्सेज इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ इन पॉपुलेशन, यानी आबादी के हिसाब से अगर वसाइल भी बढ़ें, ठीक, तो क्या होगा? तो कोई मसला दरपेश नहीं होता, नो प्रॉब्लम अराइजेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं होता है, एक हैबिचुअल टेंस है, एक हैबिचुअल प्रैक्टिस को शो कर रहा है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यूजुअली अमूमन हो रहा है, तो हमने वर्ब के आगे एस जोड़ा है, अराइजेस। तो पूरा जुमला हो जाएगा, अगर वसाइल भी उसी रफ्तार से पढ़ें जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है तो कोई मसला दरपेश नहीं होता, इफ रिसोर्सेज इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ इन पॉपुलेशन नो प्रॉब्लम अराइजेस। अब अगला जुमला है, अगर वसाइल में उस रफ्तार से इजाफा ना हो तो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर बट इफ रिसोर्सेज डू नॉट ग्रो एट द सेम पेस, पेस का मतलब है उसी स्पीड से, उसी के अकॉर्डिंग, उसी स्पेस के साथ, अगर वसाइल में इस रफ्तार से इजाफा ना हो तो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बट इफ रिसोर्सेज डू नॉट ग्रो एट द सेम पेस, साथ साथ अगर रिसोर्सेज को हम नहीं बढ़ाते हैं, मैनी प्रॉब्लम्स आर फेस्ड, तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिनकी नौइयत माशी, माशरती और नफ्सियाती होती है। नौइयत, यहाँ पर मैंने बात की थी वोकैबुलरी के हिस्से में कि उसको हम यहाँ बतौर नेचर के मायनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट और आर, जिनकी नौइयत, दैट आर इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल इन नेचर। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो इकोनॉमिकल हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं या साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, बाय नेचर या टाइप भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इन टाइप ऑफ दिस, बट नेचर ज्यादा अच्छा है। बढ़ती आबादी के साथ जो दिगर मसाइल पैदा हो रहे हैं, फिर बढ़ती आबादी के साथ अदर प्रॉब्लम्स अराइजिंग विद द पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्लूड, जिसमें शामिल हैं, तो यहाँ पर कहीं पर भी हमको इंक्लूड या जिसमें शामिल है नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने तर्जुमे को इस तरह से किया है। तो हाँ, जरूरी नहीं है कि आप लिटरल तर्जुमा करें, पहले आप उस जबान में समझें कि तर्जुमे में क्या कहा जा रहा है, बात क्या कही जा रही है, फिर तर्जुमा करें। उनमें कमतर रिहायशी सहूलियात यानी शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, निकासी आप के मसाइल यानी सीवेज प्रॉब्लम, जो पानी नहीं निकल रहा है या जो इस तरह की प्रॉब्लम है सीवेज से जुड़ी हुई, नाकिस खुराक की फराहमी, सप्लाइंग अ पुअर डाइट, जैसा मैंने बताया था कि अवेलेबिलिटी फराहमी का मतलब होता है लिटरल, लेकिन हम यहाँ पर सप्लाइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, सीवेज प्रॉब्लम, सप्लाइंग अ पुअर डाइट, तरक्की की निस्बतन कम इम्कानात, तो
तरक्की की बनिस्बत फेवर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, औरतों और बच्चों की शरह अमवात में इजाफा, इजाफा राइज, राइज इन वुमेन एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी, और मजमुई तौर पर कमतर मेयारे जिंदगी शामिल हैं, एंड अ जनरल, मजमुई तौर पर अ जनरल लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आमतौर पर मजमुई तौर का मतलब होता है कलेक्टिवली, साथ में, लेकिन यहाँ पर हमने इन जर्नल या जर्नल इस्तेमाल किया है, अ जनरल लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर अगला जुमला है, माशी मसाइल के अलावा माशरती और नफसियाती मसाइल भी अपनी शिद्दत में कम नहीं, इकोनॉमिक सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर नो लेस सीवियर। तो अपनी शिद्दत में कम नहीं, नो लेस सीवियर, सीवियर का मतलब आप जानते हैं, बहुत संजीदा, सीरियस, नो लेस सीवियर, ये भी कम सीरियस या संजीदा प्रॉब्लम नहीं है। फिर अदम बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त मैंने बताया, इनटॉलरेंस, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन ही है, बढ़ते हुए जराइम, इंक्रीजिंग क्राइम, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग जराइम, जिनसी इम्तियाज, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, एंड पॉसिटी ऑफ हेल्थ, तिब्बी और तालीमी सहूलियतों की कमियाबी, कमियाबी यानी शॉर्टेज, पॉसिटी कमी, पॉसिटी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अवर डेस्टिनी, कमियाबी ज्यादा आबादी के सबब हमारा मुकद्दर बन रहे हैं, अ पार्ट ऑफ अवर डेस्टिनी ड्यू टू द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, ज्यादा आबादी के सबब, ड्यू टू द इंक्रीज पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी के सबब हमारा मुकद्दर बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी, वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर भेजें, और तर्जुमे से जुड़े हुए जो भी आपके मशवरे हैं उसको जरूर हमारे पास भेजें, हम उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग भी इम्तिहान दे रहे हैं उन सब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। थैंक यू।